हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम इस क्लास में बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल है या आर्टिकल। अभी आपको पता होगा, अमेरिका में एक श्वेत शख्स था जॉर्ज फ्लॉयड। इसकी मौत होती है और पिछले 6 दिनों में लगातार अमेरिका में प्रदर्शन होता है। और आपने देखा होगा, रविवार को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आपके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निवास यानी कि व्हाइट हाउस, जहां डोनाल्ड ट्रंप यानी कि राष्ट्रपति का निवास स्थान है, वहां तक पहुंच चुके हैं। समझ सकते हैं, एक बड़ी मात्रा में बहुत बड़े स्तर पर विरोध किया जा रहा है इसका। तो देखते हैं ये आर्टिकल क्यों लिखा गया है, उसी से संबंधित है आपका। रणभेद का सीधा सा मतलब है कि वर्ण पृथक्करण की नीति से, यानी कि श्वेत और अश्वेत लोगों में भेदभाव करना। तो ये आपके इसके लेखक हैं इस आर्टिकल के, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष भी हैं आपके। ठीक है, एक जानी मानी हस्ती के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। अमेरिका में रंगभेद की 300 साल पुरानी परतें उधड़ गई हैं। अमेरिका में हो रहे अश्वेतों के विरुद्ध प्रदर्शन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गले की नई फांस बनते जा रहे हैं। वैसे तो आपने देखा होगा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, यह हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है। फिर चाहे आपका ईरान हो, इराक से हो, फिर चाहे आपका अफगानिस्तान से निकलने की बात हो, और आप जानते हैं कि 2020 में चुनाव भी है यहाँ, तो ये अपनी पूरी कसर लगा रहे हैं कि दोबारा राष्ट्रपति बनने की। इसीलिए इन्होंने आनन फानन में अफगानिस्तान से अपने सैनिक निकालने की बात की है। वहां समझौता आपने देखा हुआ कुछ दिनों पहले चर्चा में बना हुआ था, इसके बारे में भी हम लोगों ने आर्टिकल देखा था कई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। अमेरिका में जैसे हिंसक अहिंसक प्रदर्शन 1 हफ्ते से हो रहे हैं, वैसे 62 साल में, कितने 62 साल में कभी नहीं देखे गए। उस समय अश्वेतों के विरुद्ध विश्व प्रसिद्ध नेता मार्टिन लूथर किंग की हत्या की एक गोरे ने कर दी थी। मार्टिन लूथर जो अश्वेतों के विश्व प्रसिद्ध नेता थे, इनकी हत्या एक गोरे ने कर दी थी। 4 अप्रैल 1967 को हुए इस हत्याकांड के बाद अमेरिका में हुए प्रदर्शनों में दर्जनों लोग मारे गए और हजारों गिरफ्तार हुए। अब भी ट्रंप ने धमकी दी कि यदि वे ये प्रदर्शन नहीं रुके तो उन्हें अमेरिकी फौज को सड़कों पर दौड़ाना होगा। अमेरिका के लगभग 100 शहरों में ये आंदोलन फैल चुके। इसकी खूबी यह है कि इसमें श्वेत और अश्वेत लोग दोनों दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि दोनों मिलकर ये आंदोलन कर रहे हैं। आखिर क्या बात है कि अमेरिका ही नहीं, यूरोप और इस्लामी देशों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। इस समय अमेरिका में कोरोना का प्रकोप जितना भयंकर है, उतना दुनिया में कहीं नहीं है। आपको इस बात का पता होगा कि सबसे पहले नंबर पर आपका अमेरिका चल रहा है और मौत में भी पहले नंबर पर आपका अमेरिका है, और विकसित देशों में सबसे टॉप पर आपका अमेरिका ही है, याद रखना। अमेरिका खुद को सबसे अधिक सुसभ्य संपन्न और लोकतांत्रिक देश कहता है, फिर भी वहां ऐसे प्रदर्शन क्यों? ऊपरी तौर पर देखें तो कारण बहुत मामूली है। एक आश्वेत व्यक्ति की हत्या, यह हत्या हुई मैनियापोलिस के बाजार में, जहां आश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड पर एक नकली नोट बनाने का आरोप लगा और एक गोरे पुलिस अफसर डीरेक चौविन ने उसे पकड़कर जमीन पर पटका और उसकी गर्दन अपने घुटने से लगभग 9 मिनट तक दबाए रखी। वह चीखता रहा कि उसका दम घुट रहा है। यह दुर्घटना का वीडियो वायरल हुआ है तो सारे अमेरिका में आक्रोश भड़क उठा। और यह मामला सिर्फ एक आश्वेत की हत्या का नहीं रहा, इसने अमेरिका के पिछले 250 से 300 वर्षों के रंगभेद के इतिहास की परतों को उधेड़ दिया है। आपने सुना होगा हमारे अफ्रीका महाद्वीप में, जब हमारे दक्षिण अफ्रीका हमारे गांधी जी गए तो उन्होंने भी इसके खिलाफ आंदोलन चलाया था। जब यूरोप के आश्वेत यानी कि श्वेत आप्रवासियों ने अमेरिका में बसना शुरू किया तो अफ्रीका से हजारों लाखों आश्वेत श्वेतों को गुलाम बनाकर वहां ले गए। वे मजदूर नहीं, गुलाम थे। इन आश्वेत गुलामों के लिए घर, भोजन, कपड़ा, शिक्षा, दवा, सुरक्षा कुछ भी ठीक नहीं था। इन्हें जानवरों की तरह खरीदा और बेचा जाता था। 1790 में
अमेरिकी जनसंख्या में आश्रितों की संख्या 19.3% थी, लेकिन उनके नागरिक अधिकार 1% भी नहीं थे। ना तो उन्हें वोट देने का अधिकार था, ना ही अदालतों से न्याय पाने का और ना ही इलाज करवाने का अधिकार था। यानी कि जानवरों से बदतर हालत में इनकी स्थिति थी। यदि कोई गोरा उनकी किसी बात से नाराज हो जाए तो आश्रितों को पकड़कर जिंदा जला देते थे, पेड़ों पर लटका कर फांसी दे दी जाती थी, या फिर कुओं में धक्का देकर दे देते थे। इसके बावजूद अमेरिका का दावा रहा है कि वह दुनिया का सबसे समतामूलक, स्वतंत्रतामूलक और न्यायमूलक राष्ट्र है। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के जमाने में चले गृह युद्ध, ये आपका 1861 से 1865 के बीच चला था, के कारण अमेरिकी संविधान में संशोधन हुए और आश्रितों की गुलामी 1865 में खत्म हुई। उन्हें बराबरी के अधिकार मिले, लेकिन अभी भी 10 से 12 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि अमेरिका के कई राज्यों ने उनके अधिकार छीन लिए। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस डकैती पर 1896 के अपने एक फैसले में मुहर लगा दी। तब से अब तक अमेरिका के आश्वेत लोग अपने अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। 1956 में अलाबामा के मॉन्ट गोमरी शहर में रोजा पार्क्स नामक एक आश्वेत औरत ने एक गोरे आदमी के लिए बस में सीट खाली नहीं की। इसे लेकर वहां जबरदस्त आंदोलन चला। इस रंगभेद विरोधी आंदोलन ने मार्टिन लूथर किंग जैसे महान आश्वेत नेता पैदा किए। अमेरिका के ज्यादातर राज्यों में कानूनी तौर पर रंगभेद नहीं है, लेकिन अमेरिकी समाज अभी भी दो हिस्सों में बटा हुआ साफ साफ दिखाई पड़ता है आपको। इस समय अमेरिका के 33 करोड़ लोगों में आश्रितों की संख्या लगभग 4 करोड़ है। कितनी? 4 करोड़। लेकिन ये आश्रित लोग सबसे ज्यादा विपन्न, वंचित और उपेक्षित हैं। ज्यादातर हाड़ तोड़ काम, जिनकी मजदूरी काफी कम होती है, ये आश्रित लोग ही करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी कि मेहनत इनसे ज्यादा करवाई जाती है और इन्हें मजदूरी कम मिलती है काफी। कोरोना से मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं आश्रित लोगों की है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी होगी तो वो तो मरेंगे, स्वाभाविक है। अपने ही देश में देख लीजिए कि सबसे ज्यादा प्रभावित इससे हुए मजदूर, गरीब तबके के लोग कोरोना से। आश्रित 50% जबकि गोरे 20% ही शिकार होते हैं। कोरोना के आश्रित लोग गरीबी, गंदगी, अशिक्षा और अभाव में अपने दिन काटते हैं। अमेरिका की जेलें आश्रित से भरी हुई थी हैं। या ठीक है कि बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर पहुंच गए, लेकिन 51 साल पहले जब मैं न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में PhD कर रहा था, ये क्या बोल रहे हैं, लेखक बोल रहे हैं, ठीक है, इसके संपादक, तो ना तो मेरा कोई अध्यापक आश्रित था और ना ही कोई सहपाठी। भारतीय दलितों से भी अधिक दुर्दशा अमेरिकी आश्रितों की है। डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्ज फ्लॉयड की हत्यारे को दंडित करने की बात जोरों से कही है, लेकिन सबको पता है कि ट्रंप किस मिजाज के आदमी है। वे बहुसंख्यक गोरों के थोक वोट पाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। उनमें कोई ऐसा नैतिक बल दिखाई नहीं पड़ता कि वे अमेरिका समाज को सहृदय बनने की प्रेरणा दे सके। अमेरिका में फैली कोहराम के लिए ट्रंप एंटीफा नामक संगठन को दोषी बता रहे हैं। यूरोप में शुरू हुए इस एंटी फासिस्ट संगठन के मध्य ट्रंप का यह दोष मढ़ रहे हैं, जिसका अर्थ है यह हुआ कि वे अमेरिकी समाज की अंतरधाराओं से आंख मूंद रहे हैं। और पता होगा आपने कुछ ही दिन पहले, आपका 2-3 दिन ही पहले, आपका एंटीना एंटीफा ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित करने की बात कर रहे थे ट्रंप, ठीक है, तो ये वही संगठन है। और एक बात इसमें ये है कि अब चाइना का भी वहां झंडा दिखाया जा रहा है इस आंदोलन में, तो हमें कहीं कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा कि अब अमेरिका नीचे बैठ रहा है और जो आपका चाइना है फर्स्ट पोजिशन ले रहा है। क्योंकि आपने देखा है अफगानिस्तान से जैसे ही आपका अमेरिका निकलने की बात कर रहा है, चीन वहां प्रवेश कर रहा है, इराक ईरान की बात कीजिए वहां भी प्रवेश कर रहा है, WHO की बात कीजिए जैसे ही अमेरिका हट रहा है चीन वहां कब्जा कर रहा है।
तो समझ सकते हैं आप लोग, चीन महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। तो चलिए, ये था आपका जो अमेरिका में आंदोलन चल रहा है उसी से संबंधित आपका आर्टिकल।